सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम लूनेश कुमार वर्मा। अहम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छछानपैरी मध्ये व्याख्याता रूपेण पदस्थोस्मि। अद्य वयं पठामः दशम्यां कक्षायां व्याकरण खंड अंतर्गते अव्यय प्रकरण विषये। प्यारे छात्रों, आप सभी जानते हैं अव्यय व्याकरण के अंतर्गत वह महत्वपूर्ण तत्व है जिसका स्वरूप कभी बदलता नहीं है। अव्यय के संदर्भ में संस्कृत में कही गई बातें हैं, सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्। अर्थात ये अव्यय क्या हैं? ये अव्यय वे हैं जिनका स्वरूप कभी बदलता नहीं है। इसके विषय में यह जो कहा गया, सदृशं त्रिषु लिंगेषु, आप सभी जानते हैं संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तीनों लिंगों में विभिन्न शब्दों के अलग अलग तरह के रूप चलते हैं। इन रूपों में भी ये जो अव्यय हैं इनका स्वरूप कभी बदलता नहीं है। ऐसे ही जब हम विभक्तियों की बात करते हैं, विभक्तियों के विषय में आप भली भांति जानते हैं, प्रथमा से लेकर संबोधन तक की जो विभक्तियाँ हैं इनमें भी विभिन्न शब्दों के रूप जो है परिवर्तित होते हैं, लेकिन ये अव्यय हैं इनका स्वरूप बदलता नहीं है। इसी तरह से वचनेषु, तीन वचन होते हैं संस्कृत में, कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इन तीनों वचनों में भी अव्यय का स्वरूप परिवर्तित नहीं होता है। ऐसे ही विभिन्न पुरुषों में, पुरुषों के विषय में आप जानते हैं, पुरुष कहते हैं कर्ता को, तो पुरुष भी तीन होते हैं, कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इन विभिन्न पुरुषों में भी जब इनका प्रयोग किया जाता है तब भी इनका स्वरूप कभी बदलता नहीं है। इसलिए कहा गया, सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्। अर्थात यस्य व्ययम् न भवति तदव्ययम्। अर्थात अव्यय वे पद होते हैं जिनका स्वरूप कभी बदलता नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से भी ये अव्यय बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न परीक्षाओं में अव्यय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अव्यय का ज्ञान होने से हम भाषा में अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं, भाषा का सहज और सरल तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, अपनी बातों को निश्चितपूर्वक कहने में ये अव्यय जो है हमारे सहायक होते हैं। अव्यय जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनका अभ्यास करना होगा। तो आइए हम देखते हैं कुछ अव्ययों का, उनके अर्थ, अव्यय क्या हैं ये हमने देख लिया, अब कुछ अव्यय जिनके अर्थ क्या हैं और उनका वाक्य में प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो ऐसे ही एक अव्यय है अत्र। अत्र का तात्पर्य होता है यहाँ। अब इसका वाक्य में प्रयोग करना है तो आप तरह तरह के वाक्य बना सकते हैं, जैसे त्वम अत्र आगच्छ। त्वम का तात्पर्य आप जानते हैं, त्वम मतलब तुम, अत्र मतलब यहाँ और आगच्छ मतलब आओ, तुम यहाँ आओ, तो ये इसका तात्पर्य हो गया, त्वम अत्र आगच्छ, ये हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया। इसी तरह से और भी अन्य वाक्य आप बना सकते हैं, बालकः अत्र आगच्छ, बालकः अत्र आगच्छति, ये आप कह सकते हैं बालक यहाँ आता है, रामः अत्र पठति। तो इस तरह से विभिन्न वाक्यों की रचना आप कर सकते हैं, रामः अत्र पठति, राम यहाँ पढ़ता है। ऐसे ही दूसरा अव्यय लेते हैं यदा। यदा का अर्थ होता है जब। यदा, इस अव्यय का हमें वाक्य में प्रयोग करना है, क्या प्रयोग कर सकते हैं? यदा सूर्यः उदेति तदा तमः नश्यति। यदा, यदा का तात्पर्य हुआ जब। यदा सूर्यः उदेति, जब सूर्य उदित होता है, तदा तमः नश्यति, तब अंधकार दूर होता है।
इस तरह से आपने सरल तरह से वाक्य में प्रयोग कर लिया। ऐसे ही तदा, यह भी एक अव्यय पद है। देखिए, अव्ययों की विशेषता है कि इनका स्वरूप कभी बदलता नहीं है। तदा, तदा का मतलब होता है तब, और यदा और तदा ये दोनों अव्यय लगभग एक साथ प्रयोग होते हैं। जैसे यदा का प्रयोग करेंगे तो तदा का प्रयोग करना होता है, तो ऐसे ही जब हम तदा का प्रयोग करेंगे तो उसमें भी यदा का प्रयोग होता है। यदा वसंतः आगच्छति तदा कोकिला कूजति। यदा वसंतः आगच्छति, जब वसंत आता है, वसंत मतलब वसंत ऋतु की बात हो रही है, तो जब वसंत आता है तब कोकिला कोकिल कूजती है। एकदा, ये अलग अव्यय है, एकदा का तात्पर्य होता है एक बार। एकदा सह पिपासया व्याकुलः अभवत्, एक बार वह व्याकुल हुआ। देखिए, एकदा का तात्पर्य हुआ एक बार। सह के स्थान पर आप भिन्न वाक्य कर सकते हैं, भिन्न पद का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे काकह कर दे, काकह इत्युक्ते कौवा। एकदा काकह पिपासया व्याकुलः अभवत्, सह के स्थान पर या काकह के स्थान पर बालक कर दिए। एकदा बालकः पिपासया व्याकुलः अभवत्, एक बार बालक प्यास से व्याकुल हुआ। तो यहाँ अब हमारा वाक्य जो है, एकदा सह पिपासया व्याकुलः अभवत्, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है एक बार वह प्यास से व्याकुल हुआ। तो सह के स्थान पर आप भिन्न भिन्न पदों को स्थापित कर लें और इस तरह से वाक्य निर्माण कर सकते हैं। ऐसे ही सह जो है प्रथम पुरुष का कर्ता है, इसके यदि पुरुष को आप बदलें, जैसे सह के स्थान पर त्वम कर दें, तब वहाँ पर क्रिया का रूप बदलेगा। यथा एकदा त्वम पिपासया व्याकुलः अभवः, एकदा त्वम पिपासया व्याकुलः अभवः, एक बार तुम प्यास से व्याकुल हुए। ये हो गया। तो इस तरह से हम अलग अलग वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। सर्वदा, सर्वदा का तात्पर्य होता है सदैव। जैसे कहा जाता है सदैव सत्य बोलना चाहिए, तब इस तरह के वाक्यों के लिए हम सर्वदा का प्रयोग कर सकते हैं। गोपालः सर्वदा सत्यम वदति, गोपाल सदैव सत्य बोलता है। ऐसे ही सदा, सदा भी क्या है? एक अव्यय पद है। इसका भी तात्पर्य क्या होता है? सदैव या हमेशा। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे क्या होगा? सदा सत्यम वदेत, सदा सत्य बोलना चाहिए। तो इस तरह से इन अव्ययों को हम विभिन्न वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। या रामः सदा सत्यम वदति, राम सदैव सत्य बोलता है। अहम सदा सत्यम वदामि, मैं सदा सत्य बोलता हूँ। अहम सदा संस्कृतम पठामि, मैं सदा संस्कृत पढ़ता हूँ। तो इस तरह से आप विभिन्न वाक्यों की रचना कर सकते हैं। सर्वथा, सर्वथा का तात्पर्य होता है सब प्रकार से या सभी प्रकार से। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, सत्य वचनम सर्वथा हितकारी भवति, अर्थात सत्य वचन सभी प्रकार से हितकारी होता है। अर्थात सत्य वचन जो होते हैं वे सदैव कल्याणकारी होते हैं, ये बातें कही गई। तो इस तरह से हम सर्वथा अव्यय का प्रयोग कर सकते हैं। या सह सर्वथा सत्यम वदति, वह सभी प्रकार से सत्य बोलता है, ये कह सकते हैं। तत्र, हाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो तत्र है ये स्थानवाचक अव्यय है। तत्र का तात्पर्य होता है वहाँ। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? यथा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, देखिए सूक्ति भी है ये, यथा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
जहाँ नारियों की पूजा की जाती हैं वहाँ देवता रमते हैं, अर्थात देवता निवास करते हैं। ऐसे ही सर्वत्र, यह भी स्थानवाचक अव्यय है। सर्वत्र का तात्पर्य होता है सब जगह। अति सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात अति जो है सभी जगह वर्जित है या वर्जित किया जाता है, अर्थात अति नहीं होना चाहिए, यह कहने का तात्पर्य है। तो अति सर्वत्र वर्जयेत या ईश्वरः सर्वत्र भवति, ईश्वर सभी जगह होते हैं। यत्र, यह भी स्थानवाचक है, स्थानवाचक अव्यय है। यत्र का तात्पर्य होता है जहाँ। यत्र धूमः तत्र अग्निः, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है, जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होता है। तो इस तरह से यत्र अव्यय का हमने प्रयोग किया। ऐसे ही अन्यत्र, अन्यत्र का प्रयोग करेंगे। अन्यत्र का तात्पर्य होता है अन्य स्थान पर या भिन्न स्थान पर। तो अन्यत्र, सह अन्यत्र प्रचलति, वह अन्यत्र दूसरे स्थान चला गया, ये तात्पर्य हुआ। कुत्र, कुत्र ये क्या है, ये स्थानवाचक और प्रश्नवाचक अव्यय है। प्रश्नवाचक स्थानवाचक अव्यय है। कुत्र का मतलब होता है कहाँ। तुम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। इस तरह से इन अव्ययों का हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए, ये जो स्थानवाचक अव्यय हैं, इन अव्ययों को हम अभिनय के माध्यम से भी बता सकते हैं। कैसे, जैसे अत्र, अत्र का मतलब होता है यहाँ। तो अत्र और तत्र कहेंगे तो तत्र के लिए कहेंगे तत्र, अत्र, तत्र और अन्यत्र, सर्वत्र, एकत्र, कुत्र। तो इस तरह से इन अव्ययों का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे इन अव्ययों को एक साथ हम प्रयोग करके देखते हैं। यथा ईश्वरः अत्र अस्ति, ईश्वरः अत्र अस्ति, ईश्वरः तत्र अस्ति, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वरः अन्यत्र अस्ति, ईश्वरः एकत्र अस्ति, ईश्वरः कुत्र अस्ति। तो इस तरह से हमने एक ही वाक्य में ये जो अव्यय हैं, अत्र, तत्र, सर्वत्र, अन्यत्र, एकत्र और कुत्र, इनका प्रयोग किया। तो इसी तरह से आप भी कुछ प्रयोग कर सकते हैं और अभिनय के माध्यम से भी आप अभिव्यक्त कर पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। उच्चैः, उच्चैः का मतलब होता है जोर से। जैसे सामान्य रूप से हम क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, तो बातचीत में कुछ लोग बहुत जोर से बोलते हैं, तब उसको हम क्या कहेंगे, सह उच्चैः वदति, वह जोर से बोलता है, ये कहेंगे। तो यहाँ पर हमने प्रयोग किया उच्चैः, सह उच्चैः वदति। इसी तरह भिन्न वाक्य का प्रयोग करते हैं। सभायाम उच्चैः मा वद, सभा में जोर से मत बोलो, ये तात्पर्य हुआ। क्योंकि देखिए, सभा होती है तो सभा की एक अपनी गरिमा होती है, उस गरिमा को ध्यान में रखकर हमको अपनी बातें कहनी होती है। लेकिन ऐसे स्थान पर यदि कोई जोर से बोलता है तब उसको मना करना होता है। तो मना करते हुए हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सभायाम उच्चैः मा वद। शनैः, शनैः का मतलब होता है धीरे। यथा, हाँ आप सभी जानते हैं, कच्छपः, कछुआ जानते हैं, कच्छपः शनैः चलति, कछुआ धीरे चलता है। हाँ, यथा शशकः भवति, शशकः इत्युक्ते खरगोश, खरगोश शीघ्रं चलति, वो शीघ्र चलता है या तेज चलता है, तीव्रं चलति, किंतु कच्छपः शनैः चलति, कछुआ धीरे चलता है। नीचैः, नीचैः का तात्पर्य होता है नीचे। इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। वृक्षस्य नीचैः जनाः विश्राम्यन्ति, वृक्ष के नीचे
लोग विश्राम करते हैं। वृक्षस्य नीचैः पशवः विश्राम्यन्ति, वृक्ष के नीचे पशु विश्राम करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग वाक्यों का आप प्रयोग कर सकते हैं। शीघ्रम, शीघ्रम का तात्पर्य होता है शीघ्र या जल्दी। तब हम कहते हैं वाक्य में प्रयोग करना है इसका, त्वम शीघ्रम गच्छ, तुम शीघ्र जाओ। या इसको भिन्न तरह से कह सकते हैं, त्वम शीघ्रम आगच्छ, किसी को बुलाना है हमको, तब क्या कहेंगे, त्वम शीघ्रम आगच्छ, तुम जल्दी आओ। त्वम शीघ्रम पठ, तुम जल्दी पढ़ो। शीघ्रम शीघ्रम मा खाद, अर्थात तुम जल्दी जल्दी मत खाओ। तो इस तरह से हम विविध वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं शीघ्रम अव्यय के आधार पर। तो ऐसे ये जितने अव्यय अभी हम अध्ययन कर रहे हैं, इन सभी के आधार पर न केवल एक बल्कि एकाधिक वाक्यों के निर्माण आप कर सकते हैं, अधिक से अधिक वाक्यों का आप निर्माण करने में समर्थ हो सकते हैं। चीरम, चीरम का तात्पर्य होता है देर से या देर तक। वाक्य में प्रयोग करेंगे, ते तत्र चीरम अवसत। तो चीर का तात्पर्य क्या हुआ, चीरम का तात्पर्य होता है देर से या देर तक। यहाँ अपने वाक्य लिखा, ते तत्र चीरम अवसत। सायम का अर्थ लेते हैं, सायम का तात्पर्य होता है शाम का समय, संध्याकालीन समय। शाम, प्रातः सायम च पर्यटनम वरम। प्रातः और शाम के समय पर्यटन करना अच्छा होता है या श्रेष्ठ होता है, ये तात्पर्य हुआ। प्रातः, ये समय बोधक अव्यय है। देखिए सायम प्रातः ये क्या है, ये समय बोधक अव्यय है। प्रातः, प्रातः का तात्पर्य होता है प्रातः या सुबह, सवेरा। तो प्रातः का हमें क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है, प्रातः भ्रमणम उचितम। प्रातः काल भ्रमण करना उचित होता है, प्रातः काले भ्रमणम स्वास्थ्यदायकम भवति। तो प्रातः के समय भ्रमण करना वो स्वास्थ्यदायक होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। ऐसे हम अव्यय का प्रयोग करेंगे सह। सह का प्रयोग जो है देखिए तृतीय विभक्ति के साथ में प्रयोग किया जाता है, यथा पुत्री मात्रा सह गच्छति, पुत्री माता के साथ जाती है, ये तात्पर्य हुआ इसका। अपि, अपि का मतलब होता है भी। देखिए जब एक के साथ में कोई दूसरा भी संभव हो तब वहाँ पर हम क्या करते हैं, अपि का प्रयोग करते हैं, यथा अहम संस्कृतम अपि पठामि, मैं संस्कृत भी पढ़ता हूँ। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम कुछ और भी पढ़ते हैं लेकिन साथ साथ हम संस्कृत भी पढ़ते हैं। तो दो क्रियाओं का जब योग हो, तो ऐसे स्थान पर या दो चीज़ों का जब योग हो तो वहाँ पर हम अपि का प्रयोग करते हैं। तो अहम संस्कृतम अपि पठामि, अहम फलम अपि खादामि, सह अपि पठति, वह भी पढ़ता है। तो इस तरह से हम अपि इस अव्यय का प्रयोग अलग अलग वाक्यों में कर सकते हैं। बही, बही का तात्पर्य होता है बाहर। सर्पः विवरात बहिः निःसरति, सर्प सांप विवरात, विवर कहते हैं बिल को, बिल से बाहर निकलता है। आप लोगों ने भी देखा है ना सांप, हाँ जैसे देखा आप चित्र में देख रहे हैं सांप, सांप क्या करता है, बिल से बाहर निकलता है। तो सर्पः विवरात बहिः निःसरति, सांप बिल से बाहर निकलता है। ऊपरी, ऊपरी का प्रयोग करना है, ऊपरी का तात्पर्य होता है ऊपर, ऊपरी का मतलब ऊपर। तो ऊपर के अर्थ में आपको इस वाक्य का, इस अव्यय पद का प्रयोग करना है, यथा क्षेत्रस्य ऊपरी खगः उड्डयते, खेत के ऊपर, खेत में फसल होता है तो फसल के जो दाने होते हैं उन दानों को देखकर क्या करते हैं, खगाह या खगह क्या करते हैं, उड्डयते। देखिए खगाह का प्रयोग करेंगे तो उड्डयन्ते कहेंगे, लेकिन खगह कहते हैं तो उड्डयते कहेंगे। तो क्षेत्रस्य ऊपरी खगः उड्डयते,
खेत के ऊपर, क्षेत्र का मतलब होता है खेत, खेत के विषय में आप जानते हैं ना। हाँ, अधिकांश लोग जो किसान परिवार से हैं और अधिकांश लोग गाँव में रहने वाले हैं, इन खेतों के विषय में देखिए आप चित्र देख पा रहे हैं खेत, तो ये जो खेत आप देख रहे हैं इनके ऊपर क्या कर रहे हैं, पक्षियाँ उड़ रही हैं। तो क्षेत्र से ऊपरी खगाह उड्यन्ते, खेत के ऊपर पक्षियाँ उड़ते हैं, ये तात्पर्य हुआ इसका। तो यहाँ हमने कहा प्रयोग किया ऊपरी, क्षेत्र से ऊपरी खगाह उड्यन्ते, खेत के ऊपर पक्षी उड़ते हैं, ये तात्पर्य हुआ। इदानीम, इदानीम का तात्पर्य होता है इस समय, इसका प्रयोग करना है। तो बालकाः इदानीम क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, देखिए आपके चित्र में भी देख पा रहे हैं कुछ बच्चे जो है क्या कर रहे हैं, खेल के मैदान में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तब यहाँ पर हमने वाक्य बनाया, इदानीम बालकाः इदानीम क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, बालक क्रीड़ा क्षेत्र में खेल के मैदान में खेल रहे हैं। तो यहाँ पर इदानीम, इदानीम का तात्पर्य होता है इस समय। ऐसे अधुना, अधुना का तात्पर्य भी होता है इस समय। यथा वाक्य में प्रयोग करते हैं, अधुना भारते लोकतंत्रमस्ति, चित्र में आप देख रहे हैं भारत का नक्शा आपको दिखाई दे रहा है। तो अधुना भारते लोकतंत्रमस्ति, इस समय भारत में लोकतंत्र है। भारत में विभिन्न समय में विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया है, तो अलग अलग समय में अलग अलग तरह का शासन रहा है, लेकिन अभी जो शासन है वो कैसा है, अभी जो शासन है वो लोकतंत्र है, जिसको हम प्रजातंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हमने वाक्य बनाया, अधुना भारते लोकतंत्रम अस्ति। साम्प्रतम, साम्प्रतम का तात्पर्य होता है अब। साम्प्रतम वसंत ऋतु अस्ति, इस समय वसंत ऋतु है। या साम्प्रतम सह विद्यालयम गच्छति, इस समय वह विद्यालय जाता है। तो इस तरह से आप अलग अलग वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। एव, एव का तात्पर्य होता है ही, और ये किसी वाक्य में कोई बात जब हम कहते हैं तो उसको विशेष बल देने के लिए एव का प्रयोग किया जाता है। इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं, परिवारः लघु एव वरम, परिवारः लघु एव वरम, अर्थात छोटा परिवार ही श्रेष्ठ है। अर्थात परिवार कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, छोटा होगा परिवार तब वो सुखी होगा, इसलिए ये सुक्ति भी है, कहा जाता है कि परिवारः लघु एव वरम। तो एव क्या है, एव जो है यहाँ पर अव्यय पद है। या सह एव रेल यानेन गच्छति, वह ही रेल यान से जाता है। अन्य जो हैं वो क्या करते हैं, वो लोक यान से जाते हैं या अन्य साधनों से जाते हैं, लेकिन सह एव रेल यानेन गच्छति ऐसा कहा गया। तो एव जो यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है ये क्या है, ही को बताता है। तो पूरे वाक्य का क्या अर्थ होगा, सह एव रेल यानेन गच्छति, वह ही रेल यान से जाता है, ये तात्पर्य हुआ। अब हम देखते हैं एवं, देखिए एव और एवं में भिन्नता है। तो एवं जब कह रहे हैं तो एव, एव का तात्पर्य होता है ही, लेकिन एवं कहते हैं तो इसका प्रकार, इसका तात्पर्य होता है इस प्रकार। तो सह एवं वदति, वह इस प्रकार बोलता है। सह एवं क्रीडति, वह इस प्रकार खेलता है। सह एवं अभिनयम करोति, वह इस प्रकार अभिनय करता है। तो इस तरह से आप अलग अलग वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। यथा, यथा का तात्पर्य होता है जैसे। देखिए यथा और तथा ये दोनों अव्यय एक साथ प्रयुक्त होते हैं, तो जब हम यथा का प्रयोग करेंगे तो इसके साथ में तथा का भी प्रयोग होगा। तो यथा बीजम तथा निष्पत्ति है, जैसा बीज वैसा उपज, अर्थात जैसा बीज बोया जाता है वैसा उत्पादन होता है। तथा, तथा का तात्पर्य होता है वैसे। देखिए यथा मतलब जैसे, तो तथा मतलब वैसे। यो यथा करोति स तथा प्राप्नोति, जो जैसा करता है वह वैसा प्राप्त करता है। अगला व्यपद है
यावत, यावत का तात्पर्य होता है जब तक। इसका वाक्य में प्रयोग करें, यावत प्रावृष्टि कालः, यावत प्रावृष्टि कालः तावत नदी जल परिपूर्णा भवति। जब तक वृष्टि काल होता है, वर्षा काल होता है, तब तक नदी जल से परिपूर्ण होती है, ये इसका तात्पर्य हुआ। ऐसे ही तावत, तावत का प्रयोग देखिए, यावत और तावत ये भी दोनों एक साथ प्रयुक्त होने वाले अव्यय पद हैं। यावत का मतलब होता है जब तक और तावत का मतलब होता है तब तक। तो जैसे हम तावत का भी प्रयोग करना चाहेंगे तो उसमें यावत का भी प्रयोग होगा, तो तावत का हम प्रयोग करते हैं यहाँ। तो यावत अहम रेल स्थान कम अगच्छम तावत रेल यानम गत मासित। जब मैं रेल स्थान तक पहुँचा तब तक रेल चला गया था। रेल यानेन वयम यात्राम कुर्मः, रेल यान के माध्यम से हम क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। तो यात्रा करने के लिए यावत अहम रेल स्थानकम अगच्छम, जब मैं रेल स्थान तक गया तावत तब तक रेल यानम गतमासीत चला गया था। आइए अब जो कालबोधक अव्यय हैं इनको देखते हैं। तो कालबोधक अव्यय में जैसे आता है यह और स्वह, ये दोनों अव्यय जो होते हैं ये बहुत प्रसिद्ध हैं और परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं। यह का प्रयोग करना है तो यह का तात्पर्य होता है बीता हुआ कल। तो अद्य का तात्पर्य होता है आज और स्वह का मतलब होता है आने वाला कल। यह का मतलब होता है बीता हुआ कल। तो यह का प्रयोग करना है वाक्य में तो इसके लिए हमको समझना होगा, जैसे हम अद्य कहते हैं तो अद्य का तात्पर्य होता है आज, यथा अद्य सोमवासर अस्ति, जैसे आज सोमवार है। अद्य सोमवासर अस्ति, अद्य का मतलब हुआ आज, सोमवासर मतलब सोमवार, अस्ति मतलब है, आज सोमवार है। अब हमको यह का प्रयोग करना है तो यह का मतलब होता है क्या, बीता हुआ कल। तो यदि अद्य सोमवासर अस्ति तर्हि यह कह वासर आसीत, तो यह रविवासर आसीत, कल रविवार था। अद्य सोमवासर अस्ति तर्हि स्वः कः वासरः भविष्यति, तो स्वः का तात्पर्य होता है आने वाला कल। तो स्वः का प्रयोग करेंगे तो स्वः मंगलवासरः भविष्यति। ध्यान दीजिएगा, जो बीता हुआ कल है उसके साथ में आसीत का प्रयोग होगा और आने वाला जो कल है उसके लिए भविष्यति का प्रयोग होगा। तो यह जो है क्या है, ये बीता हुआ कल के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए इसमें आसीत का प्रयोग किया जाएगा। पुनः एक बार देखते हैं, यदि अद्य सोमवासरः अस्ति तर्हि यः कः वासरः भविष्य, तर्हि यः कः वासरः आसीत, तर्हि यदि अद्य सोमवासरः अस्ति तर्हि यः रविवासरः आसीत, अद्य सोमवासरः अस्ति तर्हि स्वः मंगलवासरः भविष्यति, आज सोमवार है इसका मतलब कल रविवार था। आज सोमवार है इसका मतलब कल अर्थात आने वाला कल वो क्या होगा, मंगलवार होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, यत, यत का मतलब होता है कि, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, सह अवदत, वह बोला, यत अहम पाठशालाम गच्छामि, मैं पाठशाला जाता हूँ। ऐसे ही ततः, ततः का तात्पर्य होता है उसके बाद, जैसे कोई क्रिया हो गई उसके बाद जो और आने वाली जो क्रिया है उसका प्रयोग करना है तब वहाँ पर हम ततः का प्रयोग करते हैं। तो ततः का प्रयोग करना है, ततः मतलब उसके बाद। ततः अहम स्वग्रामम गतवान, उसके बाद मैं अपने गांव गया, ये इसका तात्पर्य हुआ। परितः, परितः का तात्पर्य होता है चारों ओर, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, ग्रामम परितः वनम अस्ति, गांव के चारों ओर वन है। ऐसे अभितः, अभितः का तात्पर्य होता है दोनों ओर। ध्यान दीजिएगा, परितः का मतलब होता है चारों ओर और अभितः का मतलब होता है दोनों ओर। तो अभितः का प्रयोग करना है वाक्य में,
क्या कहेंगे? गृहम अभितः वृक्षाः सन्ति, घर के दोनों ओर वृक्ष हैं। सर्वतः, सर्वतः का मतलब सब ओर। तो ग्रामम सर्वतः वृक्षावृतः अस्ति, गांव जो है चारों ओर वृक्ष से घिरा हुआ है। ग्रामम सर्वतः वृक्षावृतः अस्ति, गांव चारों ओर से वृक्ष से, वृक्षों से घिरा हुआ है। ऐसे ही कुतः, कुतः का तात्पर्य होता है कहां से, ये स्थानवाचक है। तो इसके लिए वाक्य बनाते हैं, भवान कुतः आगतः, आप कहां से आए हैं, ये इसका तात्पर्य हुआ। किम, किम का तात्पर्य होता है क्या, ये प्रश्नवाचक अव्यय है। किम अनिलः अपि आगच्छत्, क्या अनिल भी आया है। तो इस तरह से हम अलग अलग वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किम कहीं प्रयोग करना है, किम त्वं पठसि, क्या तुम पढ़ रहे हो। किम अहम गच्छामि, क्या मैं जाता हूँ। तो इस तरह से आप अलग अलग वाक्यों का प्रयोग इन अव्यय पदों के आधार पर कर सकते हैं। ऐसे ही कदा, ये भी क्या है, ये भी प्रश्नवाचक अव्यय पद है। कदा का तात्पर्य होता है कब। त्वं कदा आगमिष्यसि, तुम कब आए हो, इस तरह से प्रश्न किया जा रहा है। विना, देखिए संस्कृत में हम विना कहते हैं और हिंदी में इसको बिना कहते हैं। विना का मतलब होता है हिंदी में बिना, इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। ज्ञानम विना सुखम नास्ति, ज्ञानम विना सुखम न अस्ति, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। या धर्मम विना सुखम न अस्ति, धर्म के बिना सुख नहीं है। जलम विना मत्स्य न जीवति, जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती है। तो इस तरह से हम अलग अलग वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। पूरा, पूरा का तात्पर्य होता है पुराने समय में या पहले, जैसे हम विभिन्न कथाओं में पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रयोग होता है पूरा का। तो ऐसे हम वाक्य को प्रयोग करें, पूरा राजा भोज आसीत, पुराने समय में भोज नामक राजा थे, ये तात्पर्य हुआ। माँ, माँ का मतलब होता है मत या नहीं, निषेध के अर्थ में माँ का प्रयोग किया जाता है, निषेध के अर्थ में न का भी प्रयोग किया जाता है। तो माँ, विवादम माँ कुरु, विवाद मत करो। कलहम माँ कुरु, कलह मत करो। तो इस तरह से हमने आज विविध अव्ययों का अर्थ भी देखा और विभिन्न वाक्यों में प्रयोग कैसे किया जाता है इसके विषय में जानकारियाँ प्राप्त की। अब हम देखते हैं कि विभिन्न परीक्षाओं में अव्यय से संबंधित किन किन तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अव्यय से संबंधित तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे प्रश्न होता है, अधोलिखित अव्ययानाम वाक्यों से प्रयोगम कुरुत, नीचे लिखे हुए अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ऐसा करके कुछ अव्यय दिए जाते हैं। तो इन अव्ययों का प्रयोग हमको करना आना चाहिए। अभी हमने जैसे अध्ययन किया है उसके आधार पर आप ये कर पाएंगे। जैसे कुछ प्रश्न यहाँ पर हैं, ऊपरी, अधुना, कदा, तो इसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। ऐसे ही अव्यय से संबंधित भिन्न तरह का प्रश्न आता है, कोष्टकात, कुछ अव्यय पद कोष्टक में दिए हुए होते हैं, उनमें से जो उचित पद हैं उनको चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होता है। तो निर्देश किस तरह का रहता है, निर्देश रहता है कोष्टकात उचिताव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। कोष्टक से उचित रिक्त पद, उचित अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यह कहा गया। अब जैसे कोष्टक में दिया गया है, शनैः सह उपरि, ये अव्यय पद दिए हुए कोष्टक में, अब इनका आपको क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे पहला वाक्य है, वृक्षस्य रिक्त स्थान वानरः तिष्ठति, अब आपको यहाँ चयन करना है कि रिक्त स्थान में क्या प्रयोग होगा। तो देखते हैं, दूसरा वाक्य है, कच्छपः रिक्त स्थान चलति, तीसरा वाक्य है, पुत्री मात्रा खाली स्थान गच्छति।
तो ये तीन वाक्य हैं और तीन जो है कोष्टक में कुछ विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से चुनकर सही विकल्प क्या है इसका आपको चयन करके इसको लिखना है। तो इस तरह से आप करेंगे तो निश्चित रूप से परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे ही कुछ प्रश्न इस तरह के भी आते हैं, जैसे पूरे वाक्य दिए रहते हैं और पूरे वाक्यों में से अव्यय पद आपको चुनकर निकालना होता है या चयन करना होता है। तो लिखा निर्देश होता है अव्यय पदम चित्वा लिखत, अव्यय पद को चुनकर क्या करना है, लिखना है आपको। यथा कुछ वाक्य हैं, पहला वाक्य है अद्य सोमवासर अस्ति, अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम अस्ति, अत्र चयनम करणीयम, ये चयन करना है आपको कि अद्य सोमवासर अस्ति यह वाक्य है इसमें से। देखिए अभी हमने जो अध्ययन किया है उसके आधार पर आप जानते हैं अद्य ये क्या है, ये कालबोधक अव्यय है। तो जैसे सोमवासर कहते हैं ये रूप परिवर्तित हो सकता है, अस्ति का रूप परिवर्तित हो सकता है, परिवर्तित किसका रूप नहीं होगा, अद्य, अद्य का रूप परिवर्तित नहीं होगा, इसलिए यह क्या है, यह अव्यय पद है, तो ये आपको चयन करना है। ऐसे ही दूसरा वाक्य है सह शीघ्रम खादति, तो यहाँ पर तीन पद हैं, तीनों में से आप देखिए कौन से पद हैं जिनका स्वरूप बदल सकता है और कौन से पद हैं जिनके रूप नहीं बदलेंगे। तो जैसे सह कहते हैं तो सह तौते, इस तरह से इसका रूप बदल जाता है। खादति कहते हैं खादति खादता खादंते, इसका भी रूप बदल गया, क्रिया ही है। लेकिन हाँ शीघ्रम कहते हैं तो शीघ्रम का जो रूप होता है वो तीनों लिंगों में विभिन्न अभिव्यक्तियों में इसका स्वरूप नहीं बदलता है, इसलिए शीघ्रम क्या है, ये अव्यय पद है, तो इसका हम चयन कर लेंगे अलग। ऐसे ही अगला वाक्य है परिवार लघु एव वरम, इन वाक्यों में इस वाक्य में आप देखेंगे तो यहाँ पर एव ये क्या है, अव्यय पद है, तो इसको आपको चयन करना है। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न मैं आपको अव्यय से संबंध देना चाहूँगा, ये आप नोट करेंगे और अपने घर में बनाएंगे और अपनी टिप्पणी पुस्तक में लिखकर अपने विषय शिक्षक से इसका परीक्षण कराएंगे। तो प्रश्न लिखेंगे अधोलिखित अव्ययानाम वाक्यसु प्रयोगम कुरुत, नीचे लिखे हुए अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अव्यय पद हैं प्रातः यथा अत्र सदा अधुना। प्यारे बच्चों आज हमने अव्यय का अध्ययन किया, ये अव्यय क्या हैं, किस तरह से इनका विभिन्न वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, इसके विषय में आपने भली भांति ज्ञान प्राप्त किया और निश्चित रूप से आप इन अव्ययों का अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग कर पाएंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ पुनः एक बार सर्वेभ्यो नमो नमः।